हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबीता, बबीता कासनिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो रेसिपी है वो है मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम बनाना शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, मैंने तक 16-17 वीडियो डाल दिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए बबीता कासनिया ब्लॉग, और वहाँ मेरे सारे वीडियो देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैं गैस ऑन कर रही हूँ। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा लीटर दूध लिया है, ये टूटी फूटी ली है, और चीनी ली है, क्योंकि रबड़ी बनाएंगे तो थोड़ी चीनी लेंगे, और ये मैंने ली है थोड़ी सी इलायची के दाने, और ये मैंगो लिए हैं 3, जिनका हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने मेरी सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं उनमें इन्ग्रीडियंट वही होते हैं जो हमारे घर में मोस्टली हमें मिल जाते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर आपके लिए जो रेसिपी बने उसमें इंग्रेडिएंट आपको आसानी से ही मिल जाए, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े और टेस्टी चीज़ भी बन जाए। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें इलायची ताकि फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। दूध मेरा ये पहले से गर्म किया हुआ है इसलिए जल्दी गर्म हो जाएगा। ये देखिए, ये दूध बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी केसर डालूंगी, अगर आपके पास केसर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बिना केसर के भी बन जाएगी ये। मेरे पास थोड़ी सी केसर पड़ी थी तो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी, चीनी थोड़ी ही डालेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रबड़ी बन के थोड़ा हो जाएगा दूध, इससे हाफ रह जाएगा, और फिर उससे भी दोबारा जब हम और बॉयल करेंगे तो और कम हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा मीठी हो जाती है वो। तो चलिए इसे बनने देते हैं रबड़ी और मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए, ये रबड़ी तैयार हो चुकी है और मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, आप भी इसे ठंडा कर लीजिएगा। और इसके अंदर थोड़ी सी चेरी मिक्स कर रही हूँ, और मैंने मैंगो ऐसे, देखिए इसकी गुठली थी, इसके अंदर से इस तरह से इनको निकाल लिया है बॉइल करके, और अब इसके अंदर मैं ये रबड़ी फिल करूँगी। ये मैंने इस तरह से इसमें रबड़ी फिल कर ली है, ये आपको दिखाने के लिए कवर नहीं किया है, और इस तरह से इनको कवर करके और कोई बर्तन में खड़ा कर देंगे, और इसे 5 से 6 घंटे के लिए हम डीप फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए, ये मैंगोज को मैंने बाहर निकाल लिया है और इसके अंदर आइसक्रीम जम चुकी है। अब मैं इसका ये छिलका है इसको चाकू से ऐसे उतारूंगी, चाकू से इसको इस तरह से उतार लेंगे, तो आप भी इसको उतार लीजिए। ये देखिए, ये मैंने सारे मैंगोज छील लिए हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। इसके अंदर ये रबड़ी भरी हुई है और बाहर से मैंगो, तो देखिए कितना अच्छा ट्विस्ट है इसके अंदर। चलिए अब इसे कट करते हैं। अब मैं इसे इस शेप में इस तरह से काट लूँगी, तो चलिए काटते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह ये बीच में आएगा, तो मैं अभी ये सारे आपको काट के दिखाऊँगी। ये देखिए, ये है ना बहुत ही शानदार और ट्विस्ट वाली आइसक्रीम, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए अपने घर पर, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।